नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 50 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा कोई जमीन है तो उसको हम डिसमिल में कैसे जानेंगे और 6 हाथ के लग्गा से कट्ठा दूर में कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई प्लॉट है जिसकी लंबाई 50 फीट है और चौड़ाई 35 फीट है, तो क्या करेंगे कि दोनों को गुना कर देंगे। 50 गुना 35, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो निकल के आ जाएगा 1750, यानी 1750 ये वर्ग फीट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब हम इसे डिसमिल में जानना चाहेंगे तो डिसमिल के लिए क्या करेंगे कि एक डिसमिल का जो मान होता है वह होता है 435.6 वर्ग फीट बराबर एक डिसमिल। तो 1750 में 435.6 से भागा दे देंगे, जब भाग दे देंगे तो वहां पर निकल के आएगा 4.017 डिसमिल। इसे हम 4 डिसमिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसमिल आपको निकल के आएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि इतना ही वर्ग फीट को, यानी कि 1750 वर्ग फीट को ही हम कट्ठा दूर में जानेंगे तो क्या करना पड़ेगा, और 6 हाथ के लग्गा से। तो 6 हाथ के लग्गा से अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे कि 1750 में 81 से भाग दे देंगे, 81 से 81 से जब हम भाग दे देंगे तो निकल के आपको आ जाएगा 21.60 धूर, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल धूर निकल गया। इसको अब हम कट्ठा धूर में जानते हैं तो 20 धूर का एक कट्ठा होता है, तो यहां 21 धूर है तो एक कट्ठा एक धूर और दशमलव के बाद 60 है, तो इसको हम 12 धुर की मानेंगे, ठीक है। यानी कि 100% का ये 60% है, दशमलव के बाद 60 है 60, तो 100% मतलब जो एक धुर कहेंगे वो 100% होगा, तो एक धुर का वो 60% है। तो एक धुर में 20 धुर की, तो यहां 60% है तो 12 धुर की हो जाएगा, यानी कि एक कट्ठा एक धूर 12 धूर की। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।